तो दोस्तों सबसे पहले गूगल में आना है, यहाँ पर हमें टाइप करना है india.gov.in और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखो जो पहली वेबसाइट है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इस वाली वेबसाइट पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों वेबसाइट ओपन हो चुके हैं, अभी हमें यहाँ पर सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सर्विसेज वाला पेज है वो ओपन हो चुका है, अभी हमें यहाँ पर देखो सर्च वाला एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है बर्थ सर्टिफिकेट और पीछे आपको अपने स्टेट या फिर अपने सिटी का नेम है वो लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपने सिटी का नेम लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो देखो आपके सामने सर्च के रिजल्ट आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मेरा पहला ही आ चुका है, ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट एट सूरत। आपका यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कौन सा नेम है, आपको सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो सीधा ये जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो देखो हम पेज पर आ चुके हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि अकाउंट क्रिएट किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, ओके। और फिर से यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिर से डाल देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और फिर से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दोबारा डाल देना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कैप्चा फिलअप कर देना है यहाँ पर और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल में एक OTP आएगा, OTP हमें यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद नीचे वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपका OTP वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम है वो फिलअप कर देना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल देना है और अपना पासवर्ड है जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखो रजिस्टर हम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। एक ईमेल आईडी में भी एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा, देखो आ चुका है मेरा लिंक, तो इस पर भी हमें क्लिक करना है। क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा, देखो ईमेल एड्रेस वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हम लॉगिन कर सकते हैं, तो सीधा इस पोर्टल पर वापस आएंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों लॉगिन हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर आ चुका है बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्च एंड एनरोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको गेट एंड प्रिंट बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर सर्च एंड एनरोल बर्थ सर्टिफिकेट पे भी क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पर कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है अभी राइट नाउ। तो अभी हमें क्या करना है, ऊपर सर्च एंड एनरोल अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो आपको सर्च का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में चाहते हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हो तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे देखो कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगर आपको अपना जोन पता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज यहाँ पर ऑल वाला ऑप्शन ही सिलेक्टेड रहने दो। अभी दोस्तों आपके पास होना चाहिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर, तो ही आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। तो मेरे पास नंबर है तो मैं नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके ओके। उसके बाद नीचे कैप्चा फिलअप कर देना है, नीचे सर्च डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर सर्च हो चुका है, आ चुका है बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, गेट सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर पेमेंट 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। आपके स्टेट में ये अलग हो सकता है शायद, तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट कर लेना है, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सीधा आप पेमेंट पोर्टल पर आ जाओगे, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो भी आपका UPI है वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको UPI ID डाल देना है और मैं पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आपके UPI में एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट का, उसको अप्रूव कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट को अप्रूव कर देते हो तो यहाँ पर आपका रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट आप यू रिसिप्ट से डाउनलोड कर सकते हो, अगर सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, तो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप इसको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में, अपने पीसी में सेव कर सकते हो। इसका डायरेक्ट प्रिंट भी निकलवा सकते हो, कलर प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखेगा, लेकिन दोस्तों ये ओरिजिनल नहीं है फिलहाल। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ स्टैंप लगवाना पड़ेगा आपका जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो भी पंचायत लगता है वहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।